कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो मैं कल से ही मतलब कि जब से न्यूज़ आई थी ना कि द कश्मीर फाइल्स की जो ट्रेलर है वो आज के दिन 11 बजे रिलीज़ होने वाली है, तो मैं ऐसे मतलब कहीं देर से ही इंतजार कर रहा था कब इसकी ट्रेलर आए और हमें देखने को मिले। फिलहाल कुछ समय पहले मैंने इसकी जो ट्रेलर देखी, जो इसकी लेंथ है 3 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 3.5 मिनट की जो ट्रेलर रखी गई ना वो जस्टिफाई नहीं कर रही यार। मतलब वो आप पूरी ट्रेलर को आप जरा देखो, मतलब ना सही हो जो मतलब ना टीयर्स डाउन वो हो जा रही। इतनी जो मतलब कि जो स्टोरी दिखाई जा रही है बॉलीवुड पर तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो मतलब कि टॉपिक्स अच्छे होते हैं उसे तो साइड ही रख दिया जाता है। इतनी अच्छी मूवी को कहीं पर मुझे सुनने को मिल रहा है कि धमकियां मिल रही हैं। और हैट्स ऑफ यार अग्निहोत्री जी ने क्या फिल्म प्रोड्यूस की है, मतलब कि मतलब ना इस टॉपिक को छेड़ने के लिए मतलब हिम्मत चाहिए। वो उन्होंने इस टॉपिक्स को निकाल के हमारे पास प्रेजेंट किया है, जिसे हमें शायद ना मैं इस फिल्म से पहले उसे उस जो मतलब कि टॉपिक 90s में जो हुआ है कश्मीर में उसे मैं लिटरली नहीं जान रहा था। कहीं ना कहीं वो मतलब वो पन्ना जो ना वो छुप चुका था इतने दिनों के फास्ट फेस के बाद में। उसके बाद में जब मैंने इस ट्रेलर को देखा यार, मैंने कहा क्या मास्टरपीस बना हुआ है यार, ये ट्रेलर मास्टरपीस है। इनकी अगर ट्रेलर की बात करें यार तो चिन्मय, आप लोग पता होगा उसमें जो रेगुलर जो नेगेटिव रोल पे नज़र आ रहे हैं चिन्मय ने, हैट्स ऑफ यार क्या काम कर रहे हैं यार। मतलब ना वो जच रहे हैं उस लुक पे, मतलब एक मान के तो मैं उन्हें मान ही लो कि वही है। इतनी अच्छी वो मतलब कि चिन्मय उन पे एक्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद दर्शन यार, उसके बाद में अनुपम सर और मिथुन दा की तो बात ही नहीं करनी है। इतनी अराउंड में एक्टिंग चल रही है, स्टोरी फास्ट फेस पे निकल रही है। बीच बीच में आप लोगों को जैसे कि ट्रेलर पे भी दिखाया गया जो ओरिजिनल पिक्चर्स है ना उसे भी जगह पे दिखाया गया, जो फिल्म में भी होने वाला है, जो आपके साथ और हमारे साथ इमोशनली काफी टच होने वाली है फिल्म में भी। तो थिएटर्स पे ये 11 तारीख को रिलीज होने वाली है। और आप लोगों को पता होगा जो कश्मीरी के साथ में हुआ था कि हिंदुओं को जो हिंदू पंडित थे उन्हें वहां से मतलब कि जलाया, मतलब कि मारा जा रहा था, जिसके कारण वहां से जो हिंदू जो मतलब कि पंडित थे कश्मीरी पंडित सॉरी वो वहां से निकल जाते हैं, रिफ्यूज कर जाते हैं कि मुझे उस जगह पर नहीं रहना। और उस ट्रेलर पर जैसे अनुपम सर जो मतलब कि शिव के अवतार पर वहां से भाग रहे हैं, तो वहां से वो मतलब दिखाया जाता है कि कितनी चैलेंजिंग होगी उस समय में, वो सिचुएशन क्या होगी, उस सिचुएशन के अराउंड क्या बीत रही होगी लोगों पे, वो इमोशनली वो तो हमें शायद फील नहीं कर सकते, मगर फिल्म पे जो हमें दिखाएगा ना सही में यार मतलब जस्टिस नहीं होने वाली इस फिल्म को। अगर मतलब कि ट्रेलर पर हमें जो देखने को मिला, मुझे अभी से वो लग रहा है कि फिल्म कब थिएटर्स पर लगे, मतलब ना हैट्स ऑफ यार उस सिचुएशन पे क्या हुआ होगा। मतलब एक दिमाग के ना दिमाग के नशे फट गए कि इस टाइप से उस समय में होंगे, हम तो यहाँ पर खाए पिए पड़े हुए, हमें कुछ मतलब ही नहीं है। मगर जब इस ट्रेलर को देखा यार, अगर आपने इस ट्रेलर को नहीं देखा होगा यार तो आजू बाजू के काम छोड़े और उस ट्रेलर को जागो। ऑफिशियल जो इसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बाकी तो आप लोग समझदार आप सर्च करके उसे भी देख सकते हैं। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को अगर ये फिल्म रिलीज हो रही है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, दरख्वास्त है आप लोगों से जरूर से जरूर इस फिल्म को जाकर देखें, उस हिस्से को देखें जिस हिस्से को हम लोगों ने मतलब कि भूल चुके हैं, उस पन्ने को आप लोग जरूर जाकर देखें जो 90s में हुआ है। और मैं भी इसे जाकर देखूंगा, पर्सनल जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ में रिव्यू जरूर करूँगा दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे चैनल दोस्तों इसी तरह की मूवीज की रिव्यू के लिए और जितनी भी मूवीज के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। अगर आपने इतनी देर से मेरे वीडियो को देखा है, अपना जो टाइम है उसे मुझ पर इन्वेस्ट की जगह वेस्ट किया होगा, तो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। और बनेगा मेरा दोस्तों मेरे चैनल पर। बाय बाय, धन्यवाद।